वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म छपाक का पहला पोस्टर सामने आ चुका है। दीपिका के लुक्स को देखकर उनके फैंस हैरान रह गए हैं। दीपिका इस फिल्म में एक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभाने वाली है। पोस्टर में दीपिका को देखकर पहचानना काफी मुश्किल है। दीपिका के इस लुक के लिए लोगों ने उनके मेकअप आर्टिस्ट की जमकर तारीफ की है। फिल्म छपाक की कहानी लक्ष्मी अग्रवाल नामक एक एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी है। लक्ष्मी के साथ हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्या है लक्ष्मी की कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल साल 2005 में लक्ष्मी पर एसिड अटैक हुआ था। उस वक्त लक्ष्मी की उम्र सिर्फ 15 साल थी। लक्ष्मी पर एसिड अटैक 32 साल के एके नाहिम खान नामक एक शख्स और उसके दो दोस्तों ने मिलकर किया। लक्ष्मी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने से दोगुनी उम्र के इस शख्स से शादी करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लक्ष्मी पर एसिड अटैक कर दिया। लक्ष्मी अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताते हुए कहती हैं कि तेजाब गिरते वक्त मेरे शरीर की स्किन प्लास्टिक की तरह पिघल रही थी। दर्द इतना हो रहा था जैसे कि उसके ऊपर कई पत्थर रख दिए गए हों। दर्द से कहराती हुई लक्ष्मी ने रोते हुए अपने पिता को गले लगा लिया, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को गले लगाया तो उनके पिता की शर्ट भी कहीं जगह से जल गई थी। इस खौफनाक मंजर को याद करते हुए लक्ष्मी बताती है कि इस घटना के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। इस हादसे से लक्ष्मी इतना टूट गई थी कि उन्होंने खुदकुशी करने का मन भी बना लिया था, लेकिन परिवार के सहारे से वे इस हादसे से उबर गई। इतना ही नहीं, हालात सुधरने के बाद लक्ष्मी घर पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद की। लक्ष्मी ने स्टॉप सेल एसिड अभियान भी चलाए और उनका प्रचार किया। लगातार सामने आ रहे एसिड अटैक के मामलों को रोकने के लिए साल 2006 में लक्ष्मी ने कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाकर एसिड की बिक्री को रोकने की मांग भी की। लक्ष्मी के इस अभियान का ही असर था कि साल 2013 में कोर्ट ने एसिड की बिक्री को लेकर कुछ नियम बनाए। कोर्ट ने नियम बनाया कि 18 साल की उम्र से कम का व्यक्ति एसिड नहीं खरीद सकता और जो भी दुकानदार एसिड बेचेगा उसे ग्राहक का पहचान पत्र पहले लेना पड़ेगा। बता दें कि लक्ष्मी का जन्म दिल्ली में साल 1990 में हुआ था। उन्हें म्यूजिक सुनना पसंद है और वे डांस करना भी काफी पसंद करती हैं। लक्ष्मी बचपन से ही सिंगर बनना चाहती हैं। 2014 में लक्ष्मी अपने बॉयफ्रेंड आलोक दीक्षित के साथ लिव इन में रहने लगी। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है पीहू। शादी को लेकर लक्ष्मी का कहना है कि दुल्हन काफी सुंदर होती है, ऐसे में उन्हें डर लगता है कि लोग कहीं उन्हें अस्वीकार ना कर दें, इसलिए उन्होंने कभी शादी ना करने का फैसला लिया। हिम्मत और साहस की जीती जागती मिसाल लक्ष्मी अग्रवाल को कई तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। साल 2014 में मिशेल ओबामा ने भी लक्ष्मी को अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया था। बात अगर फिल्म की करें तो दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं। मेघना गुलजार की फिल्म राजी को हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स में 10 अवार्ड मिले थे। पद्मावत स्टारर दीपिका पादुकोण की ये फिल्म अगले साल 10 जनवरी को पर्दे पर रिलीज होगी।